वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्पिटेंट होस्ट, या इसको हम इस टॉपिक को ट्रांसफॉर्मेशन विद आर डी एन ए भी बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन विद आर डी ए जो होता है, हम किस तरीके से जो आर डी एन ए जो हमने बनाया, फॉर एग्ज़ाम्पल पुरानी मतलब जो हमने लेक्चर्स पढ़े, हमने लिया था एक डी एन ए, डी एन ए ऑफ इंटरेस्ट लिया हमने, और ये हमारा हो गया क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है ना। ये क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, जो इस डीएनए को किसी इकोलियम या किसी सेल में बैक्टीरियल सेल ले लूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का इस्तेमाल करके इसको भी कट करेंगे और इसको भी कट करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं ना उस स्पेसिफिक लोकेशन पे इस डीएनए जो होता है इसका और ये जो क्लोनिंग वेक्टर का इसको कट करेंगे, दोनों सेम ही रेस्ट्रिक्शन दोनों पे इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से मिलेगा। तो ये जो हमारा बना है ना, यहाँ पे जो हमारा डीएनए बना है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमें बना है वो बना है आर डीएनए, ठीक है ना। आर डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, हमें दो स्पीशीज को हमने रिकम्बाइन किया, उनके जेनेटिक मटेरियल को रिकम्बाइन करना। अब ये जो डीएनए जो है ना इस बैक्टीरियम को में हमें ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसको इसमें इंसर्ट करना है, तो इसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो मेथड्स हम पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें ना, डीएनए जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, दो चीज़ें होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक जो पानी से डरता है, हाइड्रोफोबिक मतलब अगर कोई चीज़ होता है वो पानी की तरफ नहीं होता, जैसे तेल होता है ऑयल, जैसे आप पानी में डालोगे वो अलग ही रहता है, तो वो हो गया हाइड्रोफोबिक। इसी तरीके से हाइड्रोफिलिक मतलब अगर आप पानी में उसको डालोगे ना बिल्कुल सालो हो जाएगा, है ना। तो ये जो डीएनए जो होता है ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। तो हमारा जो बैक्टीरियल सेल यहाँ पे है ना, तो ये बना होता है, पहले होता है सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर जो होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये हाइड्रोफिलिक भी होता है और हाइड्रोफोबिक भी होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोफोबिक जो होता है ना इस हाइड्रोफिलिक को अंदर पास करने नहीं देता है। इस तरीके से हमें डीएनए के लिए जो है ना बैक्टीरियल में मतलब जाने के लिए हमें कुछ मेथड्स का हमें इस्तेमाल करें, ताकि जो हाइड्रोफोबिक नेचर जो होता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको वो बाईपास करें। तो सबसे पहला मेथड जो होता है उस मेथड को हम बोलते हैं केमिकल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो भी सेल्स होते हैं मतलब सेल एक वन टू, इनको हम क्या डालेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना। स्पेसिफिक कंसंट्रेशन अलग अलग लेते हैं। तो जब हम इसको एक कैल्शियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन जो होती है इनमें जो हाइड्रोफोबिसिटी जो होते हैं वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होता है हमारा डीएनए जो होता है आर डीएनए वो इन सेल्स के अंदर चला जाएगा। दूसरा जो होता है टेम्परेचर ट्रीटमेंट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आर डीएनए जो होता है, आर डीएनए जो हमने बनाया है ऑलरेडी हमने इसको बना चुके हैं, तो अब हमें उसको किसी सेल में हमें एंटर करना है, तो हम उस आर डी एन ए को इनक्यूबेट करेंगे, ठीक है ना। कहाँ पे इनक्यूबेट करेंगे, आइस में। इनक्यूबेट का मतलब क्या होता है, रखेंगे मतलब आइस रखेंगे हम किसी वेसल में या किसी बीकर में, तो वहाँ पे रखेंगे हम इस आर डी एन ए को, वहीं पे रखेंगे। उसके बाद जो है ना कुछ टाइम तक उस आइस में रखने के बाद क्या करेंगे, उसको प्लेस करेंगे 42 डिग्री पे, मतलब यहाँ पे हमने आइस पे रखा था मतलब कूलिंग इफेक्ट दिया था, यहाँ पे हीट शॉक दिया है। फिर क्या करेंगे, फिर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, फिर इसको अगेन हम आइस पे लाएंगे, मतलब इसके हम मतलब पहले ठंडा रखेंगे फिर गर्म, गर्म के बाद ठंडा। तो उससे क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इस आर डी एन ए को एलो करेगा सेल में, ठीक है ना। तो दूसरा मेथड ये हो गया। इसके बाद आता है माइक्रो इंजेक्शन। तो ये जो माइक्रो इंजेक्शन जो होता है ना, ये क्या करेंगे, हमारा एक सेल है बैक्टीरियल सेल, सीधे हम इंजेक्ट करेंगे आर डी एन ए इसके न्यूक्लियस में। तो ये भी एक मेथड होता है, लेकिन अगर हम देखेंगे ये जो मेथड जो होता है माइक्रो इंजेक्शन, ये हमें याद रखिएगा, ये हमें कहाँ पे यूज़ होता है, एनिमल सेल के लिए, ठीक है ना, ये एनिमल सेल होता है। इसके बाद आते हैं बायोलिस्टिक मेथड, या इसको बोलते हैं जीन गन। जीन गन में क्या होता है, एक गन होता है इसका, जो यहाँ पे ये टिप जो होता है ना, ये
किसी किसी में ये टंगस्टन का बना होता है, किसी का ये गोल्ड, जिस तरीके से आपको लेना है, जितना पैसा खर्च करना है उसके हिसाब से। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम कोट करेंगे RDNA का, RDNA का कोड कर, फिर इसको बम्बार्ड करेंगे जिस बैक्टीरियल सेल है, जिस सेल में हमें इसको करना है, तो उससे क्या हो जाएगा, उस सेल में ये अंदर चला जाएगा। हाई स्पीड होती है जिससे वो RDNA जो होते हैं, जो हमने इसके टिप पे कोड किया है, वो इसमें मतलब सेल में चला जाएगा। तो ये यूजुअली सूटेबल जो होता है प्लांट सेल के लिए, मतलब जो प्लांट सेल होती है उस वहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है डिसआर्मर पैथोजन वेक्टर। यहाँ पे क्या होता है, RDNA जो होता है ना, सपोज होता है रिट्रोवायरसेस, रिट्रोवायरस इन्फेक्शन वायरसेस होते हैं ना, तो हमारा जो इसकी जो पैथोजेंसिटी जो होती है उसको हम ख़त्म करेंगे। मतलब उसका दूसरा मेथड होता है किस तरीके से करेंगे उसको, फिर वो हमें क्या करेगा, रिट्रोवायरसेस जो है ना, फिर ये काम करेंगे DNA को मतलब कैरी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर देते हैं। तो इस तरीके से कुछ मेथड्स जो होते हैं ये हम यूज़ करते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है RDNA की, उसमें हम यूज़ करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।